क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन का नाम है 1/√sin³x sin x + α dx का। तो इसमें साइन क्यूब है, अगर यहाँ साइन 4 हो जाए तो साइन बाहर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगी 1/sin⁴x और साइन एक्स प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा और नीचे साइन एक्स आ जाएगा और √dx, ठीक है। अभी साइन क्यूब प्लस साइन एक्स साइन 4 हो जाएगा और साइन 4 का रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो ये आएगा 1/sin² x बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, जो होता है कोसेक का, तो कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगा देंगे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा रूट में साइन ए कॉस अल्फा, नहीं साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस एक्स साइन अल्फा और अपॉन में साइन एक्स है तो दोनों के अपॉन में कर देंगे साइन एक्स, इसके भी और इसके भी डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट, यहाँ आएगा कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स कॉटेक्स कॉटेक्स और साइन अल्फा एक और है साइन अल्फा डी एक्स, ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नीचे पूरे इसको अगर हम टी पुट कर लें, अगर हम पुट कर लें पूरे रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को टी पुट किया तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इक्वल टू टी का स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा, फिर डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, तो हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको रखा 2t dt माइनस भी वहाँ ले गए और साइन अल्फा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा ये सारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा माइनस बाहर ले लेंगे 2 बाहर ले लेंगे t dt साइन अल्फा ही बाहर आ जाएगा अपॉन में और नीचे बचेगा इस पूरी की जगह क्या लेंगे t, तो टी से टी कैंसिल तो -2 अपॉन साइन अल्फा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन dt, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -2 अपॉन साइन अल्फा टी का होता है टी प्लस टी 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 का टी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, तो टी की वैल्यू डाल देंगे तो -2 अपॉन साइन अल्फा टी कितना है, टी की जगह पूरा डाल देंगे, यह कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है, क्या आया हमारा -2 अपॉन साइन अल्फा आया, फिर t की जगह हमने क्या कर दिया, जो t लिया था मैंने पूरा इसको पुट किया था पूरे को हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है, ये भी आंसर सही है लेकिन आंसर मिलाना है तो उसको थोड़ा और शॉर्टेज कर सकते हो आप, जैसे -2 अपॉन साइन अल्फा किया ब्रैकेट में कॉस अल्फा किया प्लस कॉट को कर सकते हैं हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन अल्फा, फिर ले लेंगे एलसीएम, लेकिन इतना भी छोड़ दो आंसर है, ठीक है। अब जो क्या एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन एक्स, तो साइन ऊपर मल्टीपल जाएगा तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा का रूट, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो -2 अपॉन साइन अल्फा बाहर है, ऊपर बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ए कितना एक्स और बी अल्फा ले लिया और नीचे साइन एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस सी लगाना है, प्लस सी लगाना पूर्ण प्लस सी, ठीक है।